नमस्कार, मैं डॉक्टर जय देशमुख हूँ, सीनियर फिजिशियन हूँ नागपुर का और ये विदर्भ एसोसिएशन या हॉस्पिटल्स का उसका भी एक मेंबर हूँ। देखिए क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाया है और उसकी वजह से कोविड बहुत हद से लिमिटेड पोर्शन में आया है एज़ कम्पेयर टू से अमेरिका, इटली, फ्रांस, चाइना। अपनी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इसका श्रेय पूरी सरकार को जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अभी बात यह है कि कोविड के जो मरीज़ है उनको जब आप एडमिट करेंगे तो ऐसा रहना चाहिए कि नागपुर में दो या तीन प्रमुख जो हॉस्पिटल है, जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट सेक्टर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल, उनके यहाँ यदि 100-150 बेड्स की उनके लिए रिजर्व किए उन्होंने कोविड के लिए, तो अपना एक आइसोलेशन सेंटर है नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेडिकल कॉलेज के नज़दीक, तो इतने सारे 401 बेड्स हो जाते हैं और इतने मरीज नहीं है। कोविड पॉजिटिव अलग है बात, और कोविड पॉजिटिव की वजह से बीमारी वो ज़्यादा प्रमाण में ये अलग बात है। तो हज़ारों लोग कोविड पॉजिटिव है पर उससे बीमारी, लोगों को सर्दी खांसी है सिर्फ, उसके लिए एडमिट करने की ज़रूरत नहीं। एडमिट किसको करेंगे कि जिनको कोविड की वजह से ब्लड प्रेशर कम है, आपका ब्लड में का ऑक्सीजन का प्रमाण कम है, आपको बहुत तरीके से सांस लग रही है, सीटी स्कैन में बहुत ARDS जैसा पिक्चर लग रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कम है या मल्टी ऑर्गन फेलियर है, तो ऐसे लोगों को एडमिट करते हैं। तो अभी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बेड्स हो, बट तो भी यदि प्राइवेट सेक्टर के बेड्स की आपको ज़रूरत है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उस वक्त नागपुर में दो या तीन आइसोलेटेड हॉस्पिटल रहना चाहिए। यह समझ लो कि ईस्ट नागपुर में एक हॉस्पिटल, वेस्ट नागपुर में एक, नॉर्थ में एक और साउथ में, वहाँ आप प्राइवेट हॉस्पिटल से बड़े बड़े वहाँ आप 75-100, 75-100, 150 बेड्स रखो और वहाँ पे दो तीन फ्लोर्स उसके लिए आइसोलेटेड रखो, सो दैट बाकी के मरीजों को भी तकलीफ है। इधर क्या होगा, सपोज एक 25 बेड का हॉस्पिटल है उसमें आप 3-4 मरीज रखें कोविड के, तो बाकी के जो मरीज है जिनको कोविड नहीं है वो एक्सपोज हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारे नागपुर के जो हॉस्पिटल्स है प्राइवेट सेक्टर के, वो ऐसे एरिया में है जैसे धंतोली में है, जैसे रामदास पेट में है, कि जहाँ पे आजू बाजू में बहुत नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉर्मल वसियाँ हैं, कि जहाँ पे कोविड नहीं है, तो रिस्क ये है कि वहाँ से वहाँ वो स्प्रेड होता है। इतनी हमारी ये है आपको दरख्वास्त, इतनी हमारी सजेशन दी कि भाई आप आइसोलेटेड रखो, चार कॉर्नर में चार हॉस्पिटल रखो बस, और गवर्नमेंट के दो तीन हॉस्पिटल, म्यूनसिपालिटी के एक हॉस्पिटल, इससे आपकी ज़रूरत बन जाती है। नहीं, हमने किया है, विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन ने उनको, डॉक्टर अनु मरार जी है और डॉक्टर अरबत जी है, तो उन्होंने उनको एक लेटर भेजे है और उसके बाद मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में भी कोई केस डाली है और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अवगत किया है। तो उन्होंने ये जो हॉस्पिटल्स है उनको सिर्फ सेंसिटाइज किया है गवर्नमेंट ने या नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने एडमिट करना शुरू नहीं किया है। और मुझे लगता नहीं कि अभी अपन प्लेटो स्टेज आ रहा है, अपने को ये सब बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि IGMC, GMC और एक दो जो हॉस्पिटल्स है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो बेड सफिशेंट है। और जैसे मैं आपको पहले बताया कि कोविड पॉजिटिव यानी उनको एडमिट करना ऐसा नहीं रहता है, उनको सिर्फ आप आइसोलेट करो, घर में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं कोविड की, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव यानी आपको बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट की। जो कोविड पेशेंट को प्रॉब्लम्स है, ऑक्सीजन की लेवल, ARDS है, मल्टी ऑर्गन, उनको ही सिर्फ एडमिट करना पड़ता है, उनकी संख्या बहुत कम है। उसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी है, उसमें एथिकल इश्यूज भी है, उसमें जो स्टाफ है वो ट्रेंड है कोविड हैंडल करने के लिए, उसकी भी समस्या है। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को यदि लगे कि भाई हमारे पास वेंटिलेटर कम पड़ रहे, प्राइवेट सेक्टर के लोग उनको वेंटिलेटर देंगे। गवर्नमेंट बोल रहे कि हमारे पास इन्फ्यूजन पम्प कम पड़ रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा, इन्फ्यूजन पम्प हम दे सकते हैं। वो बोले कि हमको डॉक्टर्स कम है, हम उनको जाके वहाँ देख के उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या है कि मनपा को मैं दोष नहीं दूंगा, क्या है कि आप बीमारी समझ लो, ये है कोविड, और ये वायरस इतना फास्ट स्प्रेड होता है कि अभी मनपा के वजह से ही अभी ये स्प्रेड में रुकावट उठ गई। अभी देखो कि भाई धंतोली, रामदास पेट, शंकर नगर, धर्मपेट, ये हमारे एरिया आजू, यहाँ पे कोविड पेशेंट नहीं है बिकॉज ऑफ नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले जो एग्रेसिव स्टेप दिए है। तो इसलिए अपने नागपुर में आप जानते हैं कि मोमिनपुरा वो जो एरिया है, ईस्टर्न नागपुर या सदर नागपुर, उसमें नॉर्दर्न उसमें ज़्यादा है पेशेंट बिकॉज कंटेनमेंट की वजह से। मेरा कहना ये है कि वो जो कंटेनमेंट है वो वैसे रहना चाहिए, पर बाकी ये एरियाज है जहाँ पे अभी पेशेंट है तो वो थोड़े से ओपन अप करना चाहिए। क्या है कि देखिए हम उनको यदि उनको इक्विपमेंट की कमी है तो हम उनको लोन के ऊपर हम इक्विपमेंट दे सकते हैं। यदि उनको डॉक्टर्स की कमी है तो हम उनको हमारे डॉक्टर या मैं भी जाके देख सकता हूँ, पेशेंट को हेल्प कर सकता हूँ। फिर उनको उनके यहाँ सपोज IGMC में कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, उनको फिर वो कहाँ जाएंगे? यदि उनके पास बेड है तो हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो
come in terms of technology, in terms of manpower, in terms of medicine, in terms of non-COVID beds, हम कहर करने के लिए तैयार। मेरा कहना ये है कि भी जैसे अभी ये जो पॉइंट्स थे एमसीआई के, वो आप यदि सीएमई अटेंड करेंगे या कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे या कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें पॉइंट बढ़ते हैं। अब ये कोविड की सब कॉन्फ्रेंस वगैरह बंद हो गई है, पॉसिबल नहीं है, तो जो डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली दो पॉइंट जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके ऊपर का स्ट्रेस कम होता है। नहीं तो उनको फिर वो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, ये अटेंड करो, यहाँ करो, वहाँ करो, तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो उनको जो कोविड पॉइंट मिले वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से एमसीआई ने डिसीजन लिया है और वी सपोर्ट दैट। देखिए क्या है कि अभी भी एक पूल सैंपल का भी नज़दीक आया है, पूल सैंपल यानी सपोज एक फैमिली के 25 लोग है, अगर आप 25 लोगों का अलग से एक एक टेस्ट करते रहेंगे तो उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों जाता है। कई बार होता है कि 25 के 25 निगेटिव आते हैं, तभी क्या उनका कहना है कि आप पूल करो 25 के 25 सैंपल्स और एक ही टेस्ट करो, यदि वो निगेटिव आते तो सब 24 बचे हुए 25 लोगों की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पूल सैंपल है। दूसरा क्या है कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये टेस्ट एक्सपेंसिव भी है। यदि आप IgM लेवल्स करेंगे पेशेंट्स के, इसमें इसका मतलब है कि भाई सपोज एक फैमिली में आप IgM लेवल सबका करते हैं और सबके सब निगेटिव आते हैं, इसका मतलब इसमें कोविड नहीं है। सपोज एक का भी पॉजिटिव आता है IgM, इसका मतलब है कि उसमें कोविड है, तो फिर बाकी के रिलेटिव्स का या उसी फैमिली का आप टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, खर्चा कम होता है, सबके सब लोगों की टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, और फिर अपन जो उनको जो सील करते हैं हॉस्पिटल या आप एरिया सील करते हैं, इतनी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी की यूज़ करना चाहिए, इसमें IgM एंटीबॉडीज और ये रैपिड टेस्टिंग PCR, उसकी वजह से आपको फिर बहुत बड़े एरिया सील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कैसा है कि मेरे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो मैं इनको ये फॉर्म भर लेता हूँ, मैंने सुबह से 30 पेशेंट देखे, 30 फॉर्म से, तो इसमें पेशेंट का नाम, गांव, उनका सेल नंबर वगैरह सब आता है और साथ साथ में उनको सिम्टम्स बताए जाते हैं कि आपको फीवर है क्या, आपको खांसी है क्या, आपको सीजन है क्या। यदि वो पेशेंट आते हैं तो उनको वहाँ रोका जाता है, हम ये पेशेंट को बाहर जाके हमारे OPD बाहर भी है वहाँ देखते हैं। तभी क्या है कि वो जो स्टेज है वो अभी हो गई है, उससे पेशेंट आ ही नहीं रहे हैं, तभी वो जरूरत भी नहीं। पर जिनको भी सर्दी खांसी या कोविड के सिम्टम्स है तो हम उनको बाहर जो थे ना वहाँ हम जाके पहले जब कोविड जब था तो मैं बाहर बहुत पेशेंट दिख रहा था, अभी वो कोविड के पेशेंट आप जानते हैं अभी इंसिडेंस बहुत कम हो गया एरिया में, अभी वो जरूरत नहीं पड़ी है। तो वो क्वेश्चनर के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उनको अंदर देखना है क्या बाहर देखना है, और वैसे हम देखते हैं। मैं सब मेरे जो नागपुर की जनता है, जो पेशेंट्स है और जो पूरी जनता है, बच्चे है, बूढ़े है, जवान है, लेडीज है, जेंट्स, उनको एक नम्रपणा से विनती करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। आप हर वक्त मास्क पहन के बाहर जाइए, जैसे मैंने ग्लव्स पहने ग्लव्स पहनते रहिए, और ज़रूरत है तो ही घर के बाहर जाइए, नहीं तो घर में रहिए। आप यदि इतने सिंपल 3-4 प्रिकॉशन लेंगे तो आपको कोविड से आप बच सकते हैं, और एक पेशेंट आप कोविड से बचेगा तो बाकी के उसका फैलाव भी रुक जाएगा। अभी आप ये भी समझ लो कि आपको 75-80% कोविड का आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अभी सिर्फ 25% बचा है, ये भी अगले 2-3 हफ्ते में पूरा ये निकल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 जून तक अपन कोविड फ्री हो सकते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है। तो बचा आप सिर्फ 25 दिनों का प्रॉब्लम है, इसके लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सहकार्य करो और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूटिलाइजेशन करो, कोविड अपने से निकल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, अपने यहाँ मॉर्टेलिटी 4% से भी कम है, ठीक है। तो जो बुजुर्ग है 60 ईयर्स के ऊपर, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज़ है, जो इम्यूनो सप्रेशन है, जिनको बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है, जिनको आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट चालू है, ये वल्नरेबल ग्रुप है। ये ग्रुप में कोविड फैल सकता है और इनमें कोविड बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो मेरी आपको नम्र प्रार्थना है कि आप केयर लो आपके आपसे और ये कोविड आप कोविड के ऊपर विजय पा पाए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।